हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और मैंने अभी अभी देखा मनु का जो वीडियो, उसमें आरती रो रही थी, उसकी माँ रो रही थी। तो छोटा सा क्लिप देखिए, फिर आपसे बात करते हैं। किए थे मम्मी का करम होते हैं, करम होगा। हाँ, छोटू का करम होगा। और जो भी कार्यक्रम होगा सो हम लोग को पता नहीं, आगे आप लोग बने रहिए। आज इतना रोई है कि आँख तक इसका देख सकते हैं, पूरा किस तरह हो गया है। मम्मी रोई है, ये रोए हैं, पूरा देख सकते हैं। देख लिया, आज है छोटू की बरखी। और छोटू की बरखी में दिखा रहा है मनु की तैयारियां चल रही हैं। सभी जितने भी यूट्यूबर हैं, उनके दोस्त मित्र हैं, उन्होंने इनवाइट भी किया है मनु ने कि जिसको आना है आ सकता है मेरे यहाँ। और सत्संग वगैरह हो रहा है, लेकिन उसी बीच में जो चीज़ें घटनाएं घटी हैं उस दिन, आरती और उसकी माँ, उसकी वजह से जाहिर सी बात है कि रोना आएगा। उनके आंसुओं को देख के मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कैसे वो लोग क्या सोच रहे होंगे अपने बच्चे और अपने प्यार के बारे में। आरती बार बार मनु पूछता भी है, रोती है आरती तो, कि क्या हुआ माँ, मम्मी पापा की याद आ रही है क्या, छोटू की याद आ रही है क्या। लेकिन आरती बोलती नहीं है, किससे बोले, क्या बोले, अपने मन के दर्द को किससे बोले। ये बोले कि हाँ याद आ रही है छोटू की, लेकिन वो मेरे वजह से मर गया, नहीं। और ये गलत बात है यार, जो लोग उसको ना ताना दे रहे हैं कि ये वो नहीं करना चाहिए यार, वो खुद ही मर रही है, तिल तिल के मर रही है, तो उसको दुनिया क्यों मारने चाह रही है तानों से। नहीं करना चाहिए ऐसा। और मैं तो यही कहूंगी मनु से कि तुम्हारे और तुम्हारे परिवार जैसा बहुत बड़ा दिल है कि एक लड़की को, वैसी लड़की को एक्सेप्ट कर लिया। वैसे कि मतलब जिसके घर वाले उसके ही, आप तुम्हारे घर भाई को, तुम्हारे घर के बेटे को जान लिए और उस लड़की को तुमने एक्सेप्ट किया। और ये बहुत बड़ी बात है, तुम्हें पापा ने, इनके मनु के पापा ने बोला भी था कि मैं इसलिए एक्सेप्ट किया कि दूसरे घर जाती तो ताना दे दे के मार डालते लोग। बहुत बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है। दुनिया चाहे जो भी कहे, लेकिन उस टाइम पे मैं भी अगेंस्ट थी आरती के कहीं ना कहीं। देखो यार, वो चीज़ें आरती को नहीं करनी चाहिए थी, जो चीज़ें आरती के साथ में हुई थी। लेकिन वक्त के साथ, समय के साथ सब कुछ बदलता है। अब स्थिति हालात वो नहीं है कि हम हमेशा एक इंसान को खोजते रहें कि यही है वो कारण। कोई भी चीज़ का जो भी गलत चीज़ होता है, यही है वो कारण। वो चीज़ें सुन सुन के इंसान वैसे ही मर जाता है। तो मत ऐसा, ये समाज मेरे को, अगर आप लोग कहोगे कि तुम कैसी बात कर रही हो, तो मैं कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि समय के साथ, स्थिति के साथ सब बदलता है। और ये नहीं हम कह सकते हैं कि किसी के साथ में ये परिस्थिति नहीं आ सकती है। हमारे हाथ में परिस्थिति नहीं है, हम अभी कुछ कह रहे हैं और क्या हो जाए। तो इसलिए किसी को भी ब्लेम करना अब नहीं चाहिए इसको कि हाँ आरती ये आरती वो। बहुत लोग ऐसे, अच्छा ये चीज़ें आप लोग बंद करिए, जो ये आरती की मौत पे उसका फोटो पे माला चढ़ा के आप लोग, मतलब ये क्या है। वीडियो बनाइए यार, वीडियो हम भी बना रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को मरे हुए को इंसान को और मार दे। क्या मिलता है ये सब करके, सबको इस समाज में जीने का अधिकार है। और सबके कर्मों का ना सजा वही ऊपर वाला देगा। कहते हैं ना कि सबके कर्म इसी धरती पे भोगने पड़ते हैं, घूम फिर के आता है। मैं बार बार अपने वीडियो में कहती हूँ, हम और आप कोई नहीं होते हैं किसी को सजा देने वाले। ऊपर वाला अगर गलत कोई कर रहा है तो ऊपर वाला है बैठा, बाकी कानून है। सजा देने के लिए वो ऊपर वाला है। और या तो आप अगर किसी को जानते हो कि वो गलत कर रहा है, तो आप कानून के पास जाओ। जैसे कि आरती के घर वालों ने गलत किया है, सजा दे के, उनको कोई अधिकार नहीं था किसी को भी सजा देने का। तो कुल मिला जुला के आरती को आगे बढ़ना चाहिए। रोने से या घर में घुट घुट के जीने से अच्छा है कि आपको जो मिला है उससे क्या होगा। रोने से और चिंता करने से आप अपने आप को जलाने से ना तो आपका प्यार वापस आ जाएगा, ना तो वो चीज़ें वापस आएंगी। तो जो आपको मिला है उसी को खुशी एक्सेप्ट करिए, उसी के साथ में चलिए। आपका परिवार इतना अच्छा मिल गया, आखिर में उसी घर में आप गई हैं,
जिस घर में आप जाना चाहती थी, बस डिफरेंट यहाँ पे है कि आपका प्यार नहीं रहा और आपके प्यार का भाई ही मिल गया, बस इतनी सी बात है। और वो आपने जानबूझ के नहीं किया, ऊपर वाला जिसके साथ में लिखा रहता है ना, उसी के साथ में जीवन यापन। आपने नहीं सोचा था कि हम जिससे प्यार कर रहे हैं उससे मेरी लाइफ नहीं है, उसके भाई से है, जबकि उसके भाई को आप भाई समान मानती होंगी, लेकिन ऊपर वाला आपका जोड़ा उसी के साथ में लिखा था, ये आप समझिए। हमारे और आपके माँ बाप, किसी के माँ बाप के हाथ में नहीं रहता है। हमारा जीवन वहीं चला जाता है, वहीं पे घूम फिर के। आप चाहे देखते हैं ना, किसी किसी लड़की को के माँ बाप खोजते रहते हैं, लेकिन टाइम हो जाता है, 10 साल हो जाता है, लेकिन नहीं होता है, वहीं होता है जहाँ पे उसका लिखा रहता है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे कोई भी किसी का भी जो ये किस्मत है ना, जिसके साथ लिखा रहेगा वहीं जाएगा। कुल मिला जुला के मैं यही बात कहना चाहूँगी। और बाकी हमारी बातें आप लोगों को अगर बुरी भी लग रही हैं तो प्लीज़ आप लोग माफ़ करिएगा। हमारा कोई इंटेंशन नहीं है किसी को दिल दुखाने का, किसी को कुछ भी करने का। मैं सिर्फ और सिर्फ यही चाहती हूँ कि सब कुछ अच्छा हो, जो भी है, जो भी मैं किसी, ये नहीं आप लोग बोलिएगा कि गलत है तो गलत का साथ, नहीं, गलत का साथ जब थी, गलत तो मैंने भी नहीं साथ दिया था, लेकिन अभी सिचुएशन और हालात के हिसाब से सब कुछ बदलता है, तो आप लोग भी बदलिए। और प्लीज़ ऐसे किसी को मत बोलिए, बद्दुआ मत दीजिए, जो भी है इसको अपना ब्लेसिंग दीजिए कि कम से कम वो भी अपने मतलब जीवन में खुश रहे, कम से कम उसकी माँ को देख के। जब उनके माँ बाप ने ही एक्सेप्ट कर लिया तो हम और आप कौन होते हैं उसको बद्दुआ देने वाले। बद्दुआ तो उनको देना चाहिए, उनके घर वालों को, जिसका जान गया है जिसके बेटे का, तो वो लोग तो खुशी खुशी उसके साथ हैं। बस हम लोगों को और क्या चाहिए, किसी को भी कुछ भी इसमें नहीं बोलना चाहिए। बस मैं यही चाहूँगी कि जो भी है, वक्त हालात के साथ सब कुछ बदल जाता है, तो अपने और हमारे सोच को बदलना चाहिए। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। आप लोगों की क्या राय है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।